हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। जो भी शिक्षक भर्ती पर नई न्यूज आए, कोई कमेंट करें आप, डेफिनेटली मैं शेयर करता हूँ। कल जैसे कि आपके रिजर्वेशन पर सुनवाई थी और डेट आगे बढ़ गई, इस पर मैं पहले भी वीडियो लाया था और मैंने आपसे कहा था कि गवर्नमेंट ने अपने पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था और फिर से ये डेट आगे बढ़ सकती है, ऐसी संभावना मैंने उसमें जताई थी, जो कि मेरी व्यक्तिगत राय थी दोस्तों। और अभी जो डेट है दोस्तों, वो 9 दिसंबर 2020 हो चुकी है आपकी सुनवाई की। तो ये तो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही रिजर्वेशन पर, उसका अपडेट था। अब बहुत से भाई बहनों ने कल कमेंट किया कि सर, हमारी शिक्षक भर्ती का क्या होगा, हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस बारे में जरूर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि आज उपचुनाव के लिए वोटिंग है, और यदि आपके क्षेत्र में उपचुनाव है और आप योग्य हैं कि आप वोटिंग कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। हमारे सीपरी जिले में पौरी और करैरा दो जगह उपचुनाव हैं। दो जगह से ही मुझे मैसेज आए सुबह कि सर, उपचुनाव में हम वोटिंग करें, और यदि करें तो किस पार्टी के लिए करें। तो मेरा यही रिप्लाई था कि ये डिसीजन सिर्फ आपका होना चाहिए दोस्तों। ये अतुल कुमार शर्मा का या किसी और का हक है ही नहीं कि वो आपको गाइड करे कि आपको वोटिंग किस लिए करनी है और किसे करनी है। यहाँ पर आपका राइट है कि आप यदि वोटर है तो वोटिंग करें और सब कुछ ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। वोटिंग करना आपका हक है। जो भी आप बेहतर समझते हैं और जो हमारे लिए बेहतर होगा, उसके लिए वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें दोस्तों। तो ये मेरी एक आपसे आज के लिए अपील है। साथ में हम बात करते हैं कि आपकी शिक्षक भर्ती के आगे कितने चांसेस हैं कि कब तक हो जाएगी दोस्तों। तो ये बात आपसे छुपी नहीं है कि लगातार यही कहा जा रहा है। पहले तो जब आपकी काउंसलिंग 3 दिन चली, उसके बाद स्थगित की गई, तो उसमें यह बताया गया कि कोरोना वायरस का खतरा है, आवागमन के जो साधन हैं वो उतने उपलब्ध नहीं है जिससे लोग काउंसलिंग कराने के लिए आ सकें। लेकिन उसके बाद जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने ये की कहा कि रिजर्वेशन पे सुनवाई चल रही है और जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता, हम आपकी भर्ती जो है वो कैसे कर सकते हैं, मीन्स जो लिस्ट है वो कैसे हम ज्वाइनिंग के लिए अपडेट करें। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा दोस्तों। और अभी बीच में उपचुनाव है आज, तो आज आपका उपचुनाव पूरा हो जाएगा और इसके बाद जो 10 तारीख है उसको आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उपचुनाव का। उसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी लाएंगे कि कैसे हमें मांग करनी है दोस्तों। यहां मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि आप डिपेंड हो बहुत सारे चैनल्स पर दोस्तों, ये अपने आप में ठीक नहीं है। आपको खुद पर डिपेंड होना पड़ेगा क्योंकि मांग आपकी है। करीबन 30,000 कैंडिडेट हैं जिनका चयन हुआ है और जिनका ज्वाइनिंग होनी है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट की, बात कर रहा हूं जनजाति विभाग की, दोनों को मिलाकर वर्ग 1 और वर्ग 2। 30,000 में से 10,000 एक्टिव कैंडिडेट नहीं है, जिनसे यदि मैं कहूं कि सोशल मीडिया पर ये जो ट्विटर है उसे हम लगातार ट्वीट और रीट्वीट करते रहें, तो बहुत कम लोग हैं, जैसे 500 से लेके 1,000 के बीच में। यानी सिलेक्शन हुआ 30,000 लोगों को और उम्मीद रखें हम 10,000 लोगों से, तो उसमें से भी 500 से लेके 1,000 लोग जो हैं ट्वीट या रीट्वीट कर पाते हैं। तो यहाँ पर जागरूक आपको होना होगा। आप डिपेंड चैनल पे हो, ठीक है, क्योंकि एक चैनल ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, कोई भी यूट्यूबर हो, जो आपको कनेक्ट कर देता है आपस में। शक्ति आपकी ही है, किसी चैनल्स की शक्ति नहीं है कि वो उसके जितने फॉलोवर्स हैं, जितने वो हैं, वो आपकी ही शक्ति के आधार पर काम करता है। और जब आप जागृत स्थिति में आओगे दोस्तों, आप डिमांड करोगे, मांग करोगे, तभी कुछ हो सकता है। अभी आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो अपनी बात पहुंचाने के लिए। उसके बाद जमीनी स्तर पर जैसे परमिशन मिलती है तो वो हम ध्यान आकर्षण सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले जागरूक आपको होना होगा, आपको एक होना होगा। बहुत से भाई बहन कमेंट करते हैं कि सर, चैनल्स को आगे आना चाहिए, चैनल्स को एक होना चाहिए, एक होकर प्रयास करना चाहिए। ये बहुत बाद में आती हैं चीजें। पहले तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें आगे आना होगा,
उन्हें प्रयास करना होगा, उन्हें अपनी मांग करनी होगी, उन्हें एक होना होगा। अगर 30,000 कैंडिडेट यदि सिलेक्शन लिस्ट में हैं दोस्तों जिनकी ज्वाइनिंग होनी है, तो उनमें से 10,000 लोग तो जो हों एक हो जाएं, और 10,000 भी छोड़ो, कम से कम सोशल मीडिया पर तो कम से कम 1,000 से लेकर 5,000 के बीच में लोग एक्टिव होने चाहिए, तो वो भी नहीं है। अब आप एक बताएं कि एक चैनल्स वाला कितने ट्विटर अकाउंट खोल सकता है? एक खोलेगा, दो खोलेगा, तीन खोलेगा, 10,000 तो नहीं खोल पाएगा। और ना 10,000 ट्विटर अकाउंट से वो कमेंट कर सकता है, ट्वीट रीट्वीट कर सकता है, वो तो सब आपको ही सोशल मीडिया पर करना है। तो ये करें दोस्तों, यहाँ पर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आपका सोशल मीडिया हो गया और जमीनी स्तर पर हो गए, हैं एक्टिव आपको होना है। आप कहते हो कि यूट्यूबर्स एक्टिव हों, यूट्यूबर्स तो एक्टिव हैं ही, तभी आपसे ये बात कह रहे हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप जो भी कमेंट करते हो वो आपकी कमेंट जितने भी लोग पढ़ते हैं उन तक पहुंचती है। ये नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया तो वो वहीं रह गई, आप उस पर देखें कि आपने जो बात कही है यदि उसे 10 लाइक मिले हैं तो 10 लोगों ने आपकी उस बात को लाइक किया है कि आपने बिल्कुल सही कहा है उस कमेंट में, और बहुत से लोग आपकी रीड भी कर रहे हैं, यानी कि 10 लोगों ने तो लाइक किया, उससे ज्यादा लोगों ने आपकी उस कमेंट को पढ़ा है। तो आप अपने आप में कितनी बड़ी शक्ति रखते। यहां पर मैं यही आह्वान करूंगा कि माना कि 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि किसी कारण से ना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सकते हैं ना जमीनी स्तर पर एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 10,000 लोग तो ऐसे होंगे जो कि सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, और उनमें से कम 1,000 लोग तो ऐसे होंगे दोस्तों जो जमीनी स्तर पर एक्टिव हो सकते हैं। तो ये आपको करना है दोस्तों। तो यहां पर मैं एक ही अपील करूंगा कि अब आगे की जो मुहिम होगी 10 नवंबर के बाद, उसमें पहले से ज्यादा एक्टिविटी आपको करनी है दोस्तों, क्योंकि आपके ही भरोसे चैनल्स जो हैं कुछ कर सकते हैं, आप ही उनकी पावर हो, आप ही उनकी ताकत हो। और मैं हर एक चैनल्स की बात कर रहा हूँ, अतुल कुमार शर्मा तो बहुत पीछे है, मैं कहूंगा कि मेरा कुछ है ही नहीं कुल मिलाकर, लेकिन मुझसे भी बहुत जेन्युइन चैनल, बहुत अच्छे चैनल, बहुत ईमानदार चैनल हैं जो इस फील्ड में हैं और लगातार आपके पास सही न्यूज लाते हैं, लगातार आपको कनेक्ट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं दोस्तों। और हमें ये नहीं देखना है, कोर्ट का फैसला अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पक्ष रखना है और फिर उस पर सुनवाई होनी है और फिर कोर्ट को डिसीजन देना है, तो इसमें हमारा कोई रोल है नहीं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल कहाँ है कि हमने एग्जाम दिया है, हमारे सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, 3 दिन हमारी काउंसलिंग चली है, अब उसके बाद हम हर स्तर पर मांग करनी है दोस्तों। यहां पर जो आपके अंदर एक कहूं कि दुख है, क्रोध है, उसे यूज करें, यूज करें सोशल मीडिया पर, यूज करें जमीनी स्तर पर, यूज करें मांग पर। 10 नवंबर को आपका रिजल्ट आने के बाद आपको एक्टिव होना है 11 तारीख से, और जो भी मुहिम होगी, जितनी भी मुहिम होगी, मैं उससे अपडेट लाता रहूंगा, आपको कनेक्ट करता रहूंगा। ऐसा नहीं है हर जिले से संगठन खड़ा हुआ है, आपके लिए खड़ा हुआ है। अतुल कुमार शर्मा तो बीएड भी नहीं है, ना वर्ग 1 के एग्जाम दिए हैं, इससे बाहर है, फिर भी मैं आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, तो फिर आप खुद की पीड़ा को क्यों नहीं समझ सकते, एक दूसरे से कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते? 30,000 लोग हैं तो उसमें से 10,000 लोग एक्टिव क्यों नहीं हो सकते? ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई ट्वीट या रीट्वीट में 1,000 बंदे भी क्या उसको ट्वीट और रीट्वीट नहीं कर सकते? क्या आप इतना सा नहीं कर सकते? आपने इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया है, आपने इतना कठिन एग्जाम क्रैक किया है, तो क्या आप एक ट्विटर अकाउंट भी नहीं बना सकते? मैंने ट्विटर अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर फुल वीडियो बनाया हुआ है, क्या आप उससे देखकर ट्वीट रीट्वीट नहीं कर सकते? दोस्तों इतना तो आपको खुद के लिए करना होगा। अतुल कुमार शर्मा अपने लिए ये चीज नहीं मांग रहा है, आपकी ज्वाइनिंग के लिए मांग रहा है, जो कि 30,000 लोगों की अटकी पड़ी है। दोस्तों आपको एक्टिव होना ही होगा, हर हाल में होना होगा, कोई और आपके लिए नहीं आएगा। दोस्तों आप जो ये सोच रहे हो कि हमारे लिए कोई अवतार लेगा, कोई अवतारी पुरुष आएगा जो हमारे दुख दर्द दूर करेगा, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा भ्रम है। आपके दुख दर्द आप ही दूर कर सकते हो, आपकी ज्वाइनिंग के लिए आप ही मांग कर सकते हो, आप खुद ही एक्टिव हो सकते हो, तब ये सब चीजें काम करेंगी। दोस्तों जब आप ही एक्टिव नहीं होगे तो ये चीजें कैसे काम करेंगी, कैसे मुहिम आगे बढ़ेगी, कैसे आप मांग करोगे? तो मांग करने के लिए आपको एक होना होगा। 30,000 लोग में से 10,000 लोग यदि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए तो आपकी पावर बढ़ जाएगी, 1,000 लोग यदि जमीनी स्तर पर एक्टिव है तो पावर बढ़ जाएगी। दोस्तों आप मांग कर सकते,
सोचें इस बात को, समझें। ये प्रश्न मैं आज आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि कमेंट ये आते हैं कि सभी जो चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक क्यों नहीं हो रहे हैं, चैनल्स कितने होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, आप तो 30,000 हो, फिर आप एक्टिव क्यों नहीं हो। सवाल ये है, 30,000 में से क्या 10,000 लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो सकते? जब एक वीडियो को 10,000 व्यू मिल सकते हैं, तो वो 10,000 लोग इकट्ठे होकर अपनी आवाज सोशल मीडिया पर क्यों नहीं रख सकते? उनमें से 1,000 लोग जमीनी स्तर पर हर एक जो आपके लिए मुहिम चलाई जा रही है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? तो ये आप समझे, खुद की पीड़ा को तो समझे। यहां पर गुस्सा होने से, क्रोध करने से, अपना खून जलाने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा तब जब आप संगठित होगे। भूल जाओ कि आप किस कैटेगरी से हो, भूल जाओ कि ये ऐसा है, वो वैसा है। सब टीचर्स हो, सभी की एक ही डिमांड है कि हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। लिस्ट में हमारा नाम आया तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं? बस ये छोटा सा सवाल है और इसका एक ही जवाब है कि आप जब एक होकर मांग करोगे तो गवर्नमेंट भी सुनेगी, हर एक संस्था भी सुनेगी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर एक चीज इसको कवरेज भी करेगी, क्योंकि वहां पर उन्हें दिखेगा कि 10,000 लोग, 30,000 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, कि 30,000 तो ज्वाइनिंग होनी है आपकी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और आपका जनजाति विभाग है। मैं उनमें से सिर्फ 10,000 लोगों से मांग कर रहा हूँ कि 20,000 को हम छोड़ दें भाई, वो नहीं हो सकते किसी भी कारण से, 10,000 तो हो सकते। तो बस ये आपको ये प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं। मेरे जैसे बहुत से अच्छे चैनल हैं, मैं तो उनमें नहीं हूं, लेकिन मुझसे कई जेन्युइन चैनल हैं, उनसे जुड़ जाएं। अतुल कुमार शर्मा से नहीं जुड़ना कोई बात नहीं है, मेरी बात पसंद नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छे चैनल हैं, बहुत ईमानदार चैनल हैं, उनसे जुड़ें, उन्हें सपोर्ट करें। तो आज का वीडियो कुछ मन की बात शेयर करनी थी दोस्तों, कुछ बताना था। हम लगातार प्रयास करेंगे और 10 तारीख के बाद आप देखें कि प्रयास के लिए कितने मैं आपके सामने लाता हूं, लेकिन हाँ ये है कि आपको सपोर्ट करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सपोर्ट जो मेरा वीडियो देख रहा है उसका है। तो आप यदि एक्टिव हो तो सब कुछ मुमकिन है। और हम अब 10 नवंबर है, उसके बाद डेफिनेटली मैं आपके पास मुहिम लाऊंगा कि 10 नवंबर के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर और जो हर जिले से संगठन खड़ा है उसके अनुसार हमें कैसे एक्टिव रहना है, लेकिन एक्टिव आपको ही रहना है दोस्तों। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।